गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय इष्टदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः महाबलाय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वृंदाय तुलसी देवै प्रिया ऐ केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदेवी सत्यवतये नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णु पादोदर सत श्री श्री श्रीमद्भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णु पाद अष्टोदर सत श्री श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी को मैं यथाजग प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। हम लोग श्रवण कर रहे थे, क्या सुन रहे थे? हरे कृष्णा। हम लोग श्रवण कर रहे थे श्रील प्रभुपाद का उपदेशामृत है। कदि जो उपदेशामृत को श्रवण करने से हम कहाँ जाएंगे? लोग प्रभुपाद जहाँ से आए थे, बोले प्रभुपाद आए थे कहाँ से? बोले गोलोक वृंदावन से, राधा रानी की निकुंज मंदिर से वो आए थे। अगर ये उपदेश को सुनेंगे तो फिर क्या होगा? राधा रानी की निकुंज मंदिर में जा सकते हैं। इसलिए प्रभुपाद कहते थे, लेकिन मैं तो देना चाहता हूँ राधा रानी की निकुंज मंदिर की सेवा, लेकिन पहले जंगल को तो काटो, उसको बाद में फिर तो खेती करोगे ना। अगर जंगल रहेगा तो हम खेती कर ही नहीं सकते, इसलिए पहले जंगल को हमें काटनी चाहिए। इसलिए जंगल क्या है, वो जंगल को हम कैसे साफ सुथरा करें? इसलिए श्री प्रभुपाद अपना उपदेशामृत में उस बात को बताते हैं। इसलिए हरे कृष्णा, इधर आ जाओ, कथा सुन लो, बाद में भेंटी काट लेना। इसलिए वो जंगल किया है कि तो जंगल हमारी जितने अनर्थ है। बोले अनर्थ मतलब क्या? बोले जो अर्थ नहीं, जो अर्थ नहीं मतलब तुम्हारी जो प्रयोजन वस्तु तुम्हारी जो नहीं, कहते यही अनर्थ है, हैं? यही अनर्थ जो हमारी अर्थ नहीं। इसलिए सवेरे हम लोग ने श्रवण किया था, कहते जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, जो व्यक्ति मठ में निवास करना चाहिए, इसलिए हम पूजा हो रही। इसलिए गुरुदेव कह रहे थे, मैं आँख बंद करके बैठा हुआ था और मन मन में ये सब चीज़ को गुरु जी के चरण में, प्रभुपाद के चरण में, अगर गुरुदेव आप ही इसको ग्रहण कर सकते हो, क्यों आप कृपा करके हमें ये सब कुछ दिया है। इसलिए कहते जो महाप्रभु की धारा में जो आए रूपानुग गुरुवर्ग, अपना आस्था स्थापन ना करिया, आकर स्थान महिमा आरोप करे, मतलब है जो मूल स्थान जो ठाकुर जी महाप्रभु नित्यानंद प्रभु प्रभुपाद जो गुरुवर्ग है, जो कुछ हो उनकी कृपा से ही हो। लेकिन जो बद्ध जीव है ना, बड़ा बीमारी बद्ध जीव में, जो कोई बढ़िया काम हो ना, बोले ठाकुर तेरे से,
कृपा से। कोई अगर कोई थोड़ा थोड़ी सी गड़बड़ी हो जाए ना, तो ठाकुर तुमने हमें ये दुख कष्ट दिया, लेकिन जब उसकी महिमा प्रशंसा पड़ा, जो कुछ होता है ना, हाँ, उस समय ठाकुर को इसके प्रशंसा ठाकुर को नहीं देते, तुम्हारी कृपा से, हाँ तुम्हारी कृपा नहीं कहते हैं, लेकिन थोड़ी सी विपत्ति आ जाए ना, तो ठाकुर तुमने तेरे इतना भजन साधन किया, तुमने हमें इतना दुख कष्ट दे। लेकिन जो अच्छा काम है ना, किसने किया? मैंने किया। अगर कोई दुख कष्ट आ जाए ना, ठाकुर तुमने दिया। ये बद्ध जीव है ना, बड़ा बदमाशी है, ये बड़े बदमाशी है। अच्छा चीज को तो ग्रहण कर लेगा, लेकिन गंदी चीज को ग्रहण करने के लिए तैयारी नहीं होता है। इसलिए हर चीज में सुख दुख दुख कष्ट हानि लाभ जन्म और मरण, कहते ये सब के सब विधि हाथ है। इसलिए ठाकुर को इच्छा से सब कुछ हुआ, ये सब चीज को स्मरण रखनी चाहिए। है ऐसे नहीं थोड़ी सी कुछ हो गया, अच्छा काम हो गया और फूल गए, हैं फूल गए, नहीं। हर समय में दीनहीन हो करके सबको यथा योग्य सम्मान दे करके, कभी सम्मान की भूखे मत बनो, सबको यथा योग्य सम्मान दो। और क्या करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कहते ये प्रभुपाद का ये पंचमा नंबर उपदेश है। कहते उनका जो छठवां नंबर उपदेश है, कहते जहरा पांच मिसाली धर्म जाजन करे, तहारा भगवान रे सेवा करते पारना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। कहते जो लोग पांच मिसाली भक्त जाजन करते हैं, पांच मिसाली मतलब जैसे अभी नव दुर्गा के समय आया, बस आए तो नव दुर्गा की व्रत रखना शुरू कर दिया है, कहीं हनुमान की व्रत आए हनुमान की व्रत रखना शुरू कर दिया, कहीं गणेश है आए उसको व्रत रखना शुरू कर दिया, जिस मंदिर में जाए उसको ही पूजा करना शुरू कर दिया। पांच विशाल में तो हर जहां जाए वैसे बन जाए। तो प्रभुपाद कहते हैं जो व्यक्ति पांच विशाल धर्म जाजन करते हैं, कहते वो व्यक्ति भगवान रे सेवा करते पारे ना, उनसे भगवान की भक्ति नहीं हो सकती। इसलिए भगवान भागवत में भगवान कपिल देव अपना माँ को कहती है, बोले क्या कहती, बोले माँ वैष्णव का तो 26 गुण है, कितना गुण है, 26 गुण है, लेकिन इस 26 गुण में जो उनका जो पहला गुण है, भगवान कहते हैं बोले मई कहते जो 25 गुण हैं ये तो उनकी तटस्थ लक्षण, और जो एक गुण इनका स्वरूप लक्षण। स्वरूप लक्षण मतलब उनकी जो अंतर का असली लक्षण है वो क्या है, कृपालु अकृत द्रोह सत्यसार सम निर्दोष बदान्य सुचि सच्ची अकिचन, ये सब के सब उनकी तटस्थ बाहर का लक्षण, लेकिन एक विशेष लक्षण है कृष्ण ही का शरणम। क्या है, कृष्ण ही का शरणम, एक भगवान कृष्ण के चरण में शरणागत है। इसलिए भगवान कहते मई अनन्य भावे न भक्ति कुर्वन्ति ये दृढ़ माँ, जो मेरे शुद्ध भक्त होते हैं ना वो मई अनन्य भावे न भक्ति कुर्वन्ति, वो एकनिष्ठ होकर मेरी भक्ति करते हैं, मेरी ही भक्ति करते हैं और इधर उधर नहीं भटकते हैं। जैसे हैं जैसे गीता में भगवान बहुत कुछ उपदेश दिया है, बहुत कुछ उपदेश, गुह्य तर और गुह्यतम है, गोपनीय गोपनीय तर और सर्वश्रेष्ठ गोपनीय। लेकिन कृष्ण लास्ट में कहते हैं, बोलते हैं अर्जुन अभी तक तेरे को तो गोपनीय गोपनीय तर गोपनीय तम बात बता दिया, लेकिन चू चुके तुम मेरे सखा हो, अभी सर्व गुह्यतम भी हो, अभी तेरे को जितनी गोपनीय में भी जो गोपनीय बात तेरे को बताते जा रहा हूँ। बोले क्यों, बोले तू मेरे सखा है ना, तू मेरी सखा। कहते दोस्तों के साथ में जो दोस्त है ना हृदय की बात बोल देता है। अब देखना घर में कभी लड़ाई हो, पति को साथ में बच्चों को साथ में ऐसी कोई चीज़ हो ना, आप संसार में देख ले, जो बात अपना बीवी को नहीं बोल सकते हो, जो बात तुम अपना पिता माता को नहीं बोल सकते हो, जो बात तुम बच्चे को, क्योंकि घर में लड़ाई हुआ किसको क्या बोलोगे, लेकिन वो बात तुम अपना दोस्त को बोल दो, अरे दोस्त क्या बताऊँ, ऐसे कुछ बात है ना जो पत्नी को भी नहीं बोल सकता, अपना बेटा को भी नहीं बोल सकता, बेटी नहीं बोल सकता, तो मेरे दोस्त है ना इसलिए तेरे को ये बात बता, मेरे संसार में ऐसी ऐसी बात, घर में मैं किसी को नहीं बोल सकता। इसलिए कृष्ण कहते हैं अर्जुन
चूंकि तू मेरी दोस्त हो इसलिए मैं तेरे को गोपनीय, सभी गोपनीयतम बात तेरे को बता रहा हूँ। कहते तो क्या है, कौन सा श्लोक है? कहते मन मना भव मत भक्त भव माम जाजी माम नमस्कुरु। भगवान कहते अर्जुन ये जो मन है ना, ये मन और किसी को मत दो, ये मन केवल तो मुझे दिया कर। है मत भक्त भव, अगर किसका भक्त बनोगे ना, सबका भक्त मत बना करो, सबका मत भक्त बना करो। हैं भक्त बनना तो मेरा ही भक्त बनो। इसलिए ऐसे नहीं, कृष्ण को भी थोड़ा पूजा कर दिया, उसी कहा भैया वहाँ पर कोई बाबा है, बोले वहाँ पर भी चले गया, बोले वहाँ पर कोई हाँ बड़े माता जी निकली, चलो वहाँ पर चलो, बोले अभी भी काम नहीं हो रहा है। हाँ वहाँ पर हमने सुना कोई संतोषी माता है, बोले वहाँ पर चल नहीं। इसलिए प्रभुपाद कहते जो पांच मिसाली धर्म जाचन करते हैं, जैसे बोले वैसे, गंगा जाओ तो गंगा दास, जमुना जाओ तो जमुना दास। भैया ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, भगवान कहते हैं भक्त बनना तो मेरा ही भक्त बनो, और किसका भक्त मत बनो, भगवान मना कर देते हैं। और पूजा करना तो किसको पूजा करेंगे, बोले माम जाजी, तो बोले मुझे ही पूजा करो, बोले नमस्कार करेंगे तो बोले मेरी और किसी का नहीं, माम नमस्कार। बोले कृष्ण ने अर्जुन ने कहा प्रभु आप कह रहे हो पूजा मेरी करो, नाम मेरी करो, भक्ति मेरी करो, मन करेंगे तो मिलेगा क्या? बोले माम एससी तो मुझे प्राप्त करो, मेरे को पाओ। बोले तेरे को पाएगा तो होगा क्या? बोले जत गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परम, जहाँ जाने से जीव कभी वहां से वापस नहीं आता है, वो मेरे धाम है। लेकिन जीव अगर ब्रह्मलोक तक चले जाए लेकिन वहाँ पुण्य खत्म होते, फिर वहां से तुम्हें गिरना पड़ेगा, फिर इसी संसार में आओगे, फिर वही दुख कष्ट को भोग करोगे। लेकिन अर्जुन अगर तू एक बार मेरे पास में आ जाओगे, स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम तत्प्रसादात पराम शांति, मेरी कृपा से तुमको परम शांति और परम स्थान, तुमको मेरे धाम तुम्हें मिलेगा। इसलिए यहाँ प्रभुपाद कहते हैं भैया पांच मिसाली पूजा नहीं करनी चाहिए, हैं पांच मिसाली भक्ति नहीं, गंगा जाओ तो गंगा दास, जमुना जाओ तो जमुना दास। इसलिए महाप्रभु कहते खड़ झाटिया, महाप्रभु क्या कहते हैं, इसलिए महाप्रभु जो प्रेम दे रहे थे, सारे भक्त लोग दरवाजे के बाहर खड़े हुए, महाप्रभु एक एक कर बुला रहे थे, लेकिन वहां पर एक मुकुंद था लेकिन उसको बुलाया नहीं। भक्तों लोग ने कहा प्रभु आप सबको तो बुला करके प्रेम दे रही हो, ये मुकुंद बाहर खड़ा हुआ इसको क्यों नहीं बोल रहे हो? वो बोले बेटा खड़जाटिया, बोले जिस दल में जाता है ना वैसे बन जाता है, जिस दल में जाए उसी ऐसे बन जाता है, इसलिए इसको मैं प्रेम नहीं दूंगा। फिर बड़ा दुखी हो गया, महाप्रभु तो मेरे को प्रेम नहीं दे रहे, कि जिस दल में जाते वही दल बन जाता है। तो उन्होंने एक खबर भेजा, बोले महाप्रभु को पूछो क्या महाप्रभु कभी भी मेरे ऊपर में कृपा नहीं करेंगे। बोले जब उन्होंने खबर भेजा, महाप्रभु ने कहा देखो करोड़ों जन्म के बाद में उसके ऊपर कृपा करेंगे। कितना? बोले करोड़ों जन्म के बाद में कृपा करेंगे। ए मुकुंद सुन करके नाचना शुरू कर दिया जोर जोर से। बोले क्यों? जब महाप्रभु ने बोल दिया करोड़ों जन्म के बाद में कृपा करेंगे, तो महाप्रभु एक दिन कृपा करेंगे। क्यों? खुद बोले ना करोड़ों जन्म के बाद में कृपा करूंगा। इसलिए यहाँ प्रभुपाद कहते हैं हमें शुद्ध भक्ति की जाजन करनी चाहिए, हमें शुद्ध भक्ति हमें जाजन करनी चाहिए, हैं विद्या भक्ति जाजन नहीं करनी चाहिए। हैं इसलिए भगवान इसलिए कहते मई अनन्य भावे न भक्ति कुर्वन्ति जय दृढ़ा, कहते ये मेरे भक्तों का लक्षण है। मत कथा मत गता चिंता बधयन्ते परस्परम कथयन्ति च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। मेरे जो भक्त होते हैं मन मना क्या करते हैं, मत कथा केवल मेरी कथा मेरी चिंता मेरी बात मेरी भक्ति में ही वो डूबे रहते हैं। इसलिए कहते सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। हे अर्जुन तू सब धर्म छोड़ करके मेरे शरण में आ जा। बोले पाप नहीं लगेगा? इतना दिन से उसको पूजा करते थे, उसकी पूजा करते थे, उसकी पूजा करते थे, आप कह रहे हो सब छोड़ करके मेरे शरण में आ जा, पाप नहीं लगेगा छोड़ देगा? भगवान क्या कहते? बोले अहम त्वाम
सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मैं तुझे सारे पाप से तेरे में मुक्त कर दूंगा। इसलिए माँ सोचो, कोई चिंता मत करो। तब हमारे महाराज भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज एक सुंदर कथा सुनाते थे। महाराज बोलते थे, एक समय गुरु जी के पास में दो व्यक्ति कथा सुनने आते थे, गांव का दो व्यक्ति। एक व्यक्ति तो बड़े धनी मानी और एक बेचारा गरीब था। जो गरीब व्यक्ति, उसने जो धनी व्यक्ति से उसी समय में 500 रुपया ऋणी लिया था, और उसी समय 500 रुपया बहुत पैसा होता था, बहुत पैसा होता था। अभी दोनों कथा सुनने के लिए आते थे। जब कथा सुनने आते थे, अभी महाराज तो शुद्ध भक्ति, प्योर भक्ति का बात करते थे। ये जीवन भगवान दीव किया है, ये तो 84 लाख जीवन के बाद में मिला है। ये जीवन तो ठाकुर बारंबार देते ही नहीं, बारंबार नहीं देते। और जीवन का उद्देश्य है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अगर ये जीवन में अगर भगवत प्राप्ति कर दिया, समझो ये जीवन में तुम्हें सब कुछ मिल गया, सब कुछ मिल गया। क्योंकि अगर ये जीवन अगर विषय भोग करते करते चला गया, फिर तुम्हें वही 84 लाख जीवन में फिर भटकना पड़ेगा। इसलिए विषय खलु सर्वत्र स्यात्, कि जो विषय है, जो संसार है, ये तो हर जीवन में मिलेगा तुम्हें। सुअर होगे तो सुअर ही मिलेगा, कुत्ता होगा तो कुत्ती मिलेगा, गधा होगा तो गाधी मिल जाएगा। बच्चा तो एक एक सुअर, एक एक साथ में एक एक दर्जन बच्चा जन्म दे देते हैं, वो 1 महीना में बड़ा कर दिया उनको। ये तो हर जीवन में रिजर्व तुम्हारा लिए। अगर ये जीवन पा करके फिर तुमने उसी काम में लग गया, बोले गया जीवन तुम्हारा। भगवान तो 2 बार मानव शरीर देंगे ही नहीं। इसलिए ये जीवन किस लिए मिला है? जीवन का जो लक्ष्य है, जीवन में भगवत प्राप्ति ही एक ही जीवन का लक्ष्य। और वो शुद्ध भक्ति की बात बोलते थे। अभी कथा सुनते 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 जो साधारण व्यक्ति गरीबी था ना, अरे सचमुच भगवान हमें मानव शरीर दिया, है ना। साधारण व्यक्ति का हृदय में ना भक्ति जल्दी जल्दी उदित हो जाता है साधारण व्यक्ति। इसलिए कहते बोले तिनेर अधिकतया करने भगवान, और कुंडी कुलीन पंडित धनी बड़ा अभिमान। दिनेर अधिक दया करने भगवान, दीनहीन व्यक्ति को ना, राम का जितने भक्त देखो, सवरी गोप चंडाल हनुमान जी जाम्बवर, जितने बंदर जितने भालू हैं, जितने छोटे जाति के लोग सब भगवान के भक्त हैं। इसलिए दीनेर अधिक दया करने भगवान, क्योंकि इनके अंदर में दीन ही निभाव रहता है, और इनके ऊपर ठाकुर जी बड़े जल्दी कृपा करते हैं। बोले कुलीन पंडित धनी बड़ा अभिमान। जो कुलीन पंडित धनी मानी सहज में भक्ति में नहीं आते, रोज पार्टी में जाएंगे लेकिन कथा में नहीं आएंगे, रोज पार्टी में चले जाएंगे लेकिन कथा में नहीं आएंगे, भजन नहीं करेंगे हैं। इसलिए अभी अभी इसके हृदय में भावना आई, गुरुदेव कहते भैया ये जीवन प्रभु की भजन के लिए। इसकी मन में भावना आई हैं, इनकी भावना में भावना आई, मैं सब छोड़ करके गुरु जी की शरण में आए, भगवान की भजन करते करते जीवन को हम बिता दें। लेकिन फिर सोच रहा है, उसकी व्यक्ति से मैंने 500 रुपया लिया है, अभी जिंदगी भर अगर मैं ऋणी उतारने के लिए कोशिश करूं, जीवन में कहीं 5 रुपया की ऋणी उतार, उस समय 5 रुपया की बड़ी कीमत था। एक दिन उसने आ करके गुरु जी से बोले, गुरु जी आपकी जब हम कथा सुनते हैं ना, मेरे मन में इच्छा होता है सब छोड़ करके आपका श्री चरण में रहे, भजन करे, आपकी सेवा करे। बोले बेटा आ जाओ। बोले गुरु जी एक दिक्कत। बोले क्या है? बोले आपका जो धनी शिष्य है ना, उससे मैंने 5 रुपया लिया है, अभी मैं कोशिश करूँ 5 रुपया के ऋणी उतारने के लिए, जीवन में कभी मैं ऋणी उतार नहीं सकता हूँ। लगता है मेरे जीवन में तो मठवास आपके चरण की सेवा मेरे हो नहीं पाएगा। तब तो गुरु जी खुश खुश हो गए। बोले ठीक है बेटा, कोई चिंता मत करो, वो मेरा ही शिष्य है, मैं जो बोलूँगा वो मेरी बात सुनेगा, इसलिए मैं उसको बोल दूंगा तेरे को 5 रुपया से रुपया छोड़ दे, मैं बोल दूंगा, कोई चिंता मत करो, तू मंदिर में आ जा। अभी छोड़ करके मंदिर में आ गया, वो जो धनी वाला व्यक्ति था पैसा वाला, वो आया शाम को कथा सुनने के लिए। गुरु जी बोले बेटा अमुक व्यक्ति ने तेरे से 5 रुपया ऋण ही लिया। बोले हाँ गुरुदेव। बोले उसकी इच्छा है वो मंदिर में आकर के रहे, ठाकुर की सेवा करे, गुरु जी की सेवा करने का उसकी इच्छा है, अभी तुम 5 रुपया उसको छोड़ दोगे? बोले गुरु जी हम दोनों ही कथा सुनते हैं, अभी तक मेरी मन में ये भावना नहीं आई सब छोड़ करके आपकी चरण में रहे और भगवान की भजन करें, अभी तक मेरी मन में ये भावना आई नहीं। अगर उसकी मन में ये भावना आई, इससे बढ़िया किया, 5 रुपया के अगर 5,000 रुपया भी लेता
मैं तब भी उसको ऋणी से मुक्त कर देता गुरुदेव, मैंने पूरा उसको छोड़ दिया है, पूरा ऋणी से मुक्त कर दिया। वो आए मंदिर में रहे और आपकी चरण सेवा करेगा तो मेरे को तो पुण्य मिलेगा ना, सुकृति मिलेगी, पूरा मैंने उसको छुटकरा दे दिया। तब हमारे भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज बोलते थे, बोले विश्व ब्रह्मांड ऋणी किससे लिए है, भगवान से। किससे लिए है? ये हवा दिया किसी ने, ये पानी दिया किसी ने, लाइट दिया किसी ने, दुकान बकान इन तुम्हें जीवन किसी ने दिया है? उसने हम सब कुछ दिया है, सब उसी का ही है, उसी का ही। जब हम सब छोड़ करके भगवान की भजन करने आ जाते हैं, इसलिए शास्त्र में बताया, जो व्यक्ति संपूर्ण घर त्याग करके मंदिर में ठाकुर की भजन करने आ जाते हैं, भगवान कहते मैंने 36 करोड़ कर्मकांडी ब्राह्मणों को मैंने नियुक्त किया, इनके पीछे जितने सारे काम को 36 करोड़ जो कर्मकांडी ब्राह्मण ये काम को पूरी करे, जो सब कुछ छोड़ करके भगवान की भजन के लिए मंदिर में आ जाते हैं, उनके लिए भगवान नियुक्त किया है। क्योंकि ये जगत में जन्म लेने पर उसको 6 ऋणी से उसको मुक्त होनी चाहिए, एक देवताओं का ऋण है, एक ऋषियों का ऋणी, एक अपना परिवारों का ऋणी, एक पिता माता का ऋणी, एक है कहते एक है राजा ऋणी, ये सब ऋणी से हमें मुक्त होनी चाहिए। लेकिन एक माता की ऋणी इतना है, करोड़ों जन्म में भी माता के ऋणी तुम चुका नहीं सकते, इतने कष्ट माँ करती हैं, पर सारे ऋणी तो रह गया। लेकिन कहते सर्वात्मना ज शरणम शरणम, जो संपूर्ण रूप में ठाकुर जी के चरण में आ गए ना, भगवान कहते हैं सब समस्त ऋणी से अपने आप मुक्त हो जाते। बोले क्यों? विश्व ब्रह्मांड मेरे से ऋणी लिए, जब मेरे शरण में आ जाएगा सारे ऋणी उसकी मुक्त हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद कहते हैं देखो, एक अनिष्ट हो करके भगवान की भक्ति करनी चाहिए, पांच मिसाली भक्ति नहीं करनी चाहिए, सब जगह में मुंह नहीं मारनी चाहिए हैं। इसलिए कहते फिर तो भगवान की भक्ति नहीं कर सकते, एक अनिष्ट होकर के भक्ति करना पड़ेगा। कहते इनका कहते ये 6वां नंबर उपदेश है, और उनका जो 7वां नंबर उपदेश है, सकले मिलिया मिसिया एक तात्पर्य पर हया हरि सेवा करो, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद का एक एक जो उपदेश है ना, बड़े महत्वपूर्ण है। इसमें कह रहे हैं प्रभुपाद कह रहे हैं सकले मिलिया मिसिया एक तात्पर्य हया हरि सेवा करो, सब लोग मिलजुल करके एक तात्पर्य होकर के क्या करो, भगवान की सेवा करो। एक तात्पर्य क्या, हम गुरु वैष्णव कैसे संतुष्ट करें और ठाकुर जी को कैसे संतुष्ट करें, हमारी और कोई इच्छा नहीं रहनी चाहिए। और कोई दूसरा इच्छा अगर बीच में आएगा ना, फिर तो लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। अगर हम सबके सब एक ही चीज़ चाहते हैं, ठाकुर को सेवा कैसे करें, ठाकुर को कैसे प्रसन्न करें, हाँ पर गुरु जी को कैसे प्रसन्न करें, हैं गुरु वैष्णव का कैसे प्रसन्न करें। अगर हमारी एक ही इच्छा हो ना, फिर लड़ाई झगड़े का कोई प्रश्न ही नहीं, कोई प्रश्न है। तुम जो आप जो चाहते हो वो भी चाहते हो, वो भी यही चाहते हो, वो भी चाहता हो यही। लेकिन अगर बीच में अपना प्रतिष्ठा, अपना कामना, अपना इच्छा इसे बीच में आ जाए ना, फिर तरह तरह का क्या हो जाता है, मतभेद होना शुरू हो जाता है, वहाँ पर मतभेद होना शुरू हो जाती है। लेकिन अगर एक इच्छा हो, हम निष्कपट हो करके भगवान की भक्ति कैसे करें, भगवान की सेवा कैसे करें, फिर तो वहाँ पर लड़ाई झगड़े कोई प्रश्न ही है। और जो शुद्ध भक्ति साधन करना चाहते, महापुरुष तो कहते ना त्रिनादपि शुनिचे न तररपि सहिष्णुना हमानी नांग मान देन कीर्तनीय सदा है, क्या करनी चाहिए हैं? इसलिए कहते हैं अमानी नांग मान देना, खुद मान की इच्छा मत करो, सभी को यथाजुग सम्मान दो हैं, घास से भी दीनहीन बनो, पेड़ से भी सहिष्णु शक्ति बनो हैं। इसलिए क्या करो, भक्ति करो। अगर उसमें कोई अगर उल्टा पुल्टा होता है, अपना ऊपर विश्वास करनी चाहिए, ये बहुत बड़ी चीज़ है। अगर सचमुच से हम शुद्ध रूप में निष्कपट रूप में गुरु वैष्णव का सेवा कर रहे हैं, हमारे अंदर में कोई कपटता नहीं, केवल एक चीज़ है हम गुरु वैष्णव ठाकुर को कहीं संतुष्ट करें, अगर तुम्हारी आत्मविश्वास है ना, ये बहुत बड़ी चीज़ है, ये बहुत बड़ी चीज़ ये आत्मविश्वास है। अगर तुम्हारी आत्मविश्वास नहीं ना, फिर कहीं भी टिक नहीं सकते, कहीं भी टिक नहीं सकते।
ये आत्मविश्वास एक बहुत बड़ी वस्तु है, हैं, बहुत बड़ी वस्तु है। इसलिए आत्मविश्वास मतलब होता है हम निष्कपट होकर के हम गुरु वैष्णव भगवान की सेवा कर रहे हैं, हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं। अगर इसमें कोई बाधा डालता है कि ठाकुर क्या नहीं देख रहे, ठाकुर क्या नहीं देख रहे, वो भी देख रहे, क्या ठाकुर हमारे साथ नहीं देगी, ठाकुर की हमारे साथ, हरिदास ठाकुर को देखो जिस समय उनको पकड़ करके मुसलमान ले जा रहे हैं, मुसलमान क्यों हरि नाम करोगे, हरि नाम छोड़ो नहीं तो बोटी बोटी करके काट डालेंगी। हरिदास ठाकुर ने क्या किया, भले तो बोटी बोटी करके काट डालो, हरि नाम में छोड़ने वाला नहीं, हरि नाम हम नहीं छोड़ेंगे भले ही जो कुछ कर लो। जिस समय उसको पकड़ करके ले जा रहे थे एक व्यक्ति को, बोला हरि नाम मत करो राजा बना कर, अभी राजा को सामने पकड़ कर ले जा, बताओ हमारा छाती तो धड़पड़ करना शुरू हो जाएगी, ये क्या करेगा, राजा के पास में ले जाएंगे, बंदी तो नहीं देगा, पिटेगा मारेगा तो नहीं, पिटाई भी किया उनको, पिटाई भी किया, लेकिन जब उसको बांध करके ले जा रहे क्या, वो चैतन्य भागवत में कह रहे हैं भले राजा की क्या बात, काल को भी जो डरने वाले नहीं, वो काल को भी नहीं डरता है, उसको पूर्ण विश्वास है हम निष्कपट होकर के भगवान की भक्ति कर रहे, ये क्या कर रहे हैं, किसके पास में ले जा रहे, काल को भी डरने वाले भक्त नहीं, राजा मेरे क्या कर लिया, क्यों आत्मविश्वास है, जाके राके साइया मार सके ना कोई, बाल ना बांका कर सके जो जन भई, और एक चीज समझो, लेकिन जब हम निष्कपट रूप में भक्ति करेंगे ना तभी ये विश्वास आएगा। अगर तुम निष्कपट रूप में भक्ति नहीं कर रहे हो विश्वास नहीं आए, क्यों, वो विश्वास देने वाले कौन है, जो हरिदास ठाकुर का जो विश्वास, इतने बड़े विश्वास, उसको पकड़ कर ले जाए राजा के पास में है, लेकिन विश्वास क्यों, कारण क्या, कारण है उसको पता है हम निष्कपट रूप में भक्ति कर रहे हैं, प्रभु की भक्ति के सिवाय और कोई काम हम नहीं करते, उसकी प्रीति विधान के सिवाय मैं और कोई काम कर ही नहीं रहा हूं, जब उसी के लिए हम कर रहे हैं क्या वो हमें नहीं देखेगा, इसलिए कहते रक्षिष्यति इति विश्वास, शरणागति का एक लक्षण रक्षिष्यति इति विश्वास, भगवान जरूर हमें रक्षा करेंगे। अंबरीश महाराज को दुर्वासा ने कृत्या निकब किया, राक्षसी हाथ जोड़कर खड़े हुए, लेकिन दुर्वासा तो पहले ब्रह्मा जी के पास में गए, शंकर जी के पास में, यहाँ तो कोई बैकुंठ तक चले गए, जब बैकुंठ तक गए ना ठाकुर जी ने कहा तुमने आपको अपनी आप को इतने ब्रह्मर्षि समझते हो, इतने बड़े ब्रह्मर्षि समझते हो, और तू कहाँ कहाँ दर दर पहले ब्रह्मा जी के पास में शंकर जी के पास में बैकुंठ तक भी आ गया, और तू समझ रहे हो गृहस्थ अम्बरीश महाराज गृहस्थ, वो क्या किया जब उसको तुमने मारने के लिए राक्षस से भाग रहा था, वो तो हाथ जोड़ कर खड़ा हुआ है, जाके राके साया मार सके ना कोई, वो तो हाथ जोड़ कर वहीं पर खड़ा हुआ, क्योंकि उसके इच्छा के बगैर एक पता भी नहीं हिलेगा है, अगर मरने का हुआ तो मरेगा भाग कर कुछ, वो तो खड़ा हुआ जाके था है, और तुम तो ब्रह्मर्षि होकर कहाँ 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 था दर दर तो भटक रहे हो, कहाँ कहाँ पर है, कहाँ कहाँ पर तो भटक रहे हो, इसलिए एक जो आत्मविश्वास है ना, देखो ये आत्मविश्वास तभी आएगा जब हम निष्कपट में भजन करेंगे, सच दिल से अगर पुकार पुकार करके हरि नाम करते हैं, हरि भजन करते हैं, तभी ये चीज अपनी आप, कोई जोर जबरदस्त ये चीज हमें नहीं दे सकते हैं, ये चीज अपनी आप ही, ये चीज अपनी आप होता है, अपनी आप ये सब चीज होता है। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं सब लोग क्या करने चाहिए, मिल मिस करके एक तात्पर्य जबर होकर के अगर हम भगवान की सेवा हमें करनी चाहिए, प्रभुपाद की ये पद सब मिलजुल करके ठाकुर सेवा करो। उनका जो आठवां उपदेश है कहते जेखाने हरि कथा और सेखाने तीर्थ, जेखाने हरि कथा सेखाने तीर्थ, बोले तीर्थ कहाँ पर है, जहाँ पर हरि कथा रूपी गंगा की मंदाकिनी की नदी यहाँ पर बह रही, इसलिए सुतो गोस्वामी कहते हैं सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्रा जथा चुतादर कथा प्रसंग, जहाँ पर हरि कथा रूपी गंगा बहती है वहीं पर ही सारे तीर्थ, जो कथा रूपी गंगा में नहा रहे हो समझो हम बैठ बैठ करके सारे तीर्थ में नहा रहे, बल्कि उससे ज़्यादा लाभ है, गंगा में नहाओगे तो बोले पाप दूर होगा और कुछ नहीं, फिर आकर के पाप गिनना शुरू कर दो, क्या गंगा में कछुआ नहीं रहते,
क्या मछली नहीं रहते हैं, और सब पवित्र क्या हो गए? जमुना नदी में हमारे भक्तों को भूत ने पकड़ा, और तो जमुना नदी में उसकी पकड़ी है, तो उसको कल्याण क्यों नहीं हुई? और तो भूत रह गए इसमें। हाँ, इसलिए कहते जो जीव को सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है भगवान की सत्संग, भगवान की कथा। ये कथा रूपी गंगा में जो स्नान करते हैं, हैं? देखो विदेशी लोग, देखो जैसे मैं विदेश में जाता हूँ ना, जब ये उपदेश बोलता हूँ, फिर तो देखो तुम लोग कहाँ ऑस्ट्रेलिया में, कहाँ रसिया में, देखो तिलक लगाए, गला में कंठी माला जब कर रहे, हरिभजन कर रहे, और विदेश में रह करके, लेकिन भारत का लोग होते हुए भी गला में कंठी नहीं, तिलक नहीं, भजन भजन से कोई मतलब नहीं। जो वृंदावन में भी रहते हैं, वृंदावन में भी रोजे रहते, गुंडे बदमाशी सिगरेट फूंक रहे, दारू पी रहे हैं, हैं? भजन भजन को क्या ब्रजवास कर रहे हैं? वो क्या ब्रजवासी है? एकदम ब्रजवासी नहीं। लेकिन आप लोग नोएडा में रहते हो, गला में कंठी माला तिलक, आप ही ब्रजवासी कर रहे हो, असली ब्रजवासी आप ही कर रहे हो। क्यों? ब्रजवासी कौन है? बोले जिसके हृदय ब्रज की भाव है, नंद बाबा की भाव, ब्रज गोपियों की भाव, सखाओं की भाव, जो भाव है जिसके हृदय में ये भाव, वही ब्रजवासी है। इसलिए प्रभुपाद कहते जेखाने हरि कथा सेखाने तीर्थ। तीर्थ कहाँ पर है? बोले जहाँ पर हरि कथा। देखना, गुरुदेव मथुरा में रहते थे, गुरुदेव वृंदावन में रहते थे गुरुदेव, लेकिन गुरुदेव जब विदेश जाते थे, जो भक्त वृंदावन में रहते थे ना, वो वृंदावन छोड़कर गुरुदेव के साथ में चले जाते थे। गुरुदेव अमेरिका गए, अमेरिका चले गए, गुरुदेव लंदन गए, लंदन चले गए, गुरुदेव फ्रांस गए, गुरुदेव के साथ में फ्रांस में चले गए। ये सब के सब गुरुदेव जा रहे वहीं पर जा, सब के सब चले गए, सब के सब वहां पर चले गए और रह रहे वृंदावन। बोले क्यों? बोले जहाँ पर शुद्ध वैष्णव, जहाँ पर शुद्ध वैष्णव की हरि कथा, वो कथा रूपी मंदाकिनी में जो स्नान करते हैं, वो असली तीर्थ में वही स्नान कर रहे, वही स्नान कर रहे हैं। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं जहाँ पर हरि कथा वहीं पर ही सारे तीर्थ का निवास, वहीं पर है जहाँ पर भगवान की कथा हो रही है। अभी इनको ऑफिस जाना है, बहुत समय हो गया, हम सोच रहे थे और कुछ कथा सुन लेते, उसको फिर कल सुनेंगे। ठीक है, कल सवेरे आ जाना। कितने बजे? कितने बजे कथा होती? 7 बजे ना? साढ़े सात। हाँ, कल 10 से 12 बजे प्रोग्राम है, उसमें जो आना तो आना ही है, अगर सवेरे कोई आना चाहे तो आ जाना, कोई बात नहीं। लेकिन वहाँ पर 10 से लेकर 12 बजे तक प्रोग्राम, हमारे कि गुरु जी की कल तिरुहाग तिथि है, कल उनके उपदेश, उनकी कथा, उनकी भजन, इसको बारे में श्रवण करें। ठीक है, वंशा कल्पतरुभ्यः कृपा सिंधु भाई वच पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 राम राम हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण बोलो। Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare
जय गुरु जी।